प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है वाक्य विचार। हम प्रयोग या रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़ रहे थे। आज हम प्रयोग या रचना के आधार पर वाक्यों का दूसरा और तीसरा भेद पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले प्रयोग या रचना के आधार पर वाक्यों का दूसरा भेद पढ़ेंगे, मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मिश्र वाक्य होता क्या है, मिश्र वाक्य कहते कैसे हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं या आश्रित उपवाक्यों के तीन भेद होते हैं। पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, होता है कि। विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है जो, सो, जिस, उस। विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं जो, सो, जिस, उस। इसी तरीके से तीसरा भेद है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं जैसी, वैसी, जहां, वहां, जब, तब, जितना, उतना। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वाक्य में आपको कि, जो, सो, जिस, उस, जैसी, वैसी, जहां, वहां, जब, तब, जितना, उतना, इनमें से आपको कोई सा शब्द देखने को यदि किसी वाक्य में मिल रहा है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो वाक्य मिश्र वाक्य है। यहाँ पर कुछ उदाहरणों द्वारा मिश्र वाक्य को समझाया गया है। जैसे पहला उदाहरण है, राधा ने कहा कि सीता ने शादी कर ली, कि राधा ने कहा कि सीता ने शादी कर ली। तो यहाँ पर राधा ने कहा, ये तो प्रधान उपवाक्य है। मिश्र वाक्य की हमने परिभाषा में पढ़ा था, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो ये तो प्रधान उपवाक्य है, राधा ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य है। और सीता ने शादी कर ली, ये आश्रित उपवाक्य है, ये आश्रित उपवाक्य है। और ये यहाँ पर सीता ने शादी कर ली, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है जो हमने यहाँ पर पढ़ा था। अब मैंने आपसे कहा कि जिस शब्द में, जिस वाक्य में आपको ये शब्द देखने को मिलते हैं कि, जो, सो, जिस, उस, जैसी, वैसी, जहाँ, वहाँ, जब, तब, जितना, उतना, ये शब्द देखने को मिलते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो वाक्य मिश्र वाक्य है। जिस तरीके से यहाँ पर ये की देखने को मिल रहा है, राधा ने कहा कि सीता ने शादी कर ली, तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। हम दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं, जहाँ हम रहते थे वहाँ ताजमहल बन गया, जहाँ हम रहते थे वहाँ ताजमहल बन गया। तो जहाँ हम रहते थे ये प्रधान उपवाक्य है और वहाँ ताजमहल बन गया ये आश्रित उपवाक्य है। आप जहाँ वहाँ कहाँ आ रहा है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में जहाँ वहाँ, तो हम कह सकते हैं कि ये वाक्य है जहाँ हम रहते थे वहाँ ताजमहल बन गया, ये वाक्य है, वो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इसी तरीके से हम तीसरा उदाहरण पढ़ते हैं, जिस दिन तुम नहीं आओगे, जिस दिन तुम नहीं आओगे उस दिन मैं अवश्य आऊँगा। तो यहाँ पर जिस देखने को मिल रहा है और यहाँ पर उस देखने को मिल रहा है, जिस देखने को मिल रहा है और उस देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर जिस दिन तुम नहीं आओगे ये प्रधान उपवाक्य है और उस दिन मैं अवश्य आऊँगा ये आश्रित उपवाक्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जिस दिन तुम नहीं आओगे
उस दिन मैं अवश्य आऊँगा, ये वाक्य है वो मिश्र वाक्य है। इसी तरीके से हम कई अन्य उदाहरण दे सकते हैं। जब मैं घर पहुँचा, जैसे यहाँ हम इसको लेते हैं, जब मैं घर पहुँचा तब खाना बन चुका था। जितना दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, जितना विद्यार्थी पढ़ता है उतना अध्यापक भी पढ़ता है। इस तरीके से अब हम प्रयोग या रचना के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर वाक्यों का तीसरा भेद पढ़ेंगे। प्रयोग या रचना के आधार पर वाक्यों का तीसरा भेद है संयुक्त वाक्य। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संयुक्त वाक्य होता क्या है, संयुक्त वाक्य कहते कैसे हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े हो तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक बार मैं फिर से परिभाषा पढ़ देता हूँ। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि अव्यय होता क्या है। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन एवं काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है। इसके भेद हैं, पहला है संयोजक बोधक, दूसरा है विभाजक बोधक, तीसरा है विकल्प बोधक और चौथा है परिणाम बोधक। तो ये संयोजक में आता है और एवं तथा, विभाजक में आता है लेकिन किंतु परंतु अगर मगर, इसके बाद में विकल्प में आता है या अथवा, और परिणाम में आता है इसलिए। तो इनसे समानाधिकरण समुच्चयबोधक हैं, इनसे वाक्य जुड़े होते हैं। यहाँ पर संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ, संयुक्त यानी कि जुड़ा हुआ। और जब हमने मिश्र वाक्य पढ़ा तो मिश्र का अर्थ होता है मिला हुआ। तो यहाँ पर यह संयुक्त वाक्य है। यहाँ कुछ उदाहरणों द्वारा समझाया गया है, राम पढ़ रहा है और गीता रो रही है। राम पढ़ रहा है और गीता क्या कर रही है, रो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, इसमें राम पढ़ रहा है ये स्वतंत्र सरल वाक्य है और स्वतंत्र उपवाक्य भी है। इसी तरीके से यहाँ पर गीता रो रही है ये सरल वाक्य भी है और स्वतंत्र उपवाक्य है। स्वतंत्र का मतलब है कि ये स्वतंत्र है, इसके ये अनुबंधित नहीं है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, किसी के ऊपर आधारित नहीं है दूसरे वाक्य के ऊपर। ये दोनों वाक्य सरल वाक्य हैं, राम पढ़ रहा है और गीता रो रही है, ये दोनों सरल वाक्य भी हैं और स्वतंत्र उपवाक्य भी हैं। तो स्वतंत्र उपवाक्य वे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक सरल अथवा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। तो इसमें ये दो सरल और स्वतंत्र उपवाक्य हैं, एक ये है राम पढ़ रहा है और दूसरा गीता रो रही है, ये सरल वाक्य भी हैं और स्वतंत्र उपवाक्य भी हैं जो किसी समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये और ये दोनों वाक्य हैं, ये समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है संयोजक, ये और से ये जुड़े हुए हैं। तो और यहाँ पर समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है और ये सरल वाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य, गीता रो रही है ये भी सरल वाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जिनमें
दो या दो से अधिक सरल वाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ये यहाँ पर और है, ये दोनों वाक्य हैं, राम पढ़ रहा है और दूसरा है गीता रो रही है, ये समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राम पढ़ रहा है और गीता सो रही है या गीता रो रही है, ये वाक्य है वो संयुक्त वाक्य है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं, राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है किंतु मोहन खेल रहा है। तो राम ये यहाँ पर क्या है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, ये यहाँ पर सोहन या मोहन खेल रहा है, तो ये यहाँ पर सरल वाक्य भी है, ये भी यहाँ पर सरल वाक्य है, सरल वाक्य, ये सरल वाक्य है और ये स्वतंत्र उपवाक्य भी है, स्वतंत्र उपवाक्य, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है, लेकिन ये यहाँ पर किंतु से जुड़ा हुआ है, ये क्या है, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है। तो ये समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाक्य है, राम पुस्तक पढ़ रहा है और राम पुस्तक पढ़ रहा है किंतु मोहन खेल रहा है, ये समानाधिकरण, ये सरल वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य भी है, ये यहाँ पर ये सरल वाक्य है और ये स्वतंत्र वाक्य भी है, लेकिन ये किंतु समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है, विभाजक बोधक में, विभाजक या विरोधक बोधक जो वाक्य है, भेद है, इसमें ये किंतु आ रहा है, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये वाक्य है वो समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है और राम पुस्तक पढ़ रहा है किंतु मोहन खेल रहा है, ये वाक्य है वो संयुक्त वाक्य है। इस तरीके से किसी वाक्य के अंदर आपको और, एवं, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, या, अथवा, इसलिए, ये शब्द यदि देखने को मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि वो संयुक्त वाक्य है। जैसे मैं कुछ और उदाहरण देता हूँ, मौखिक उदाहरण देता हूँ, तुम्हें जन्मदिन पर साइकिल मिलेगी या मोटरसाइकिल, तुम्हें जन्मदिन पर साइकिल मिलेगी या मोटरसाइकिल, या तुम्हें जन्मदिन पर साइकिल मिलेगी अथवा मोटरसाइकिल। तो इस तरीके से ये या और अथवा हमने इसका प्रयोग वाक्य के अंदर किया है, तो ये समानाधिकरण समुच्चयबोधक से हमने दोनों वाक्यों को जोड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाक्य है वो संयुक्त वाक्य है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। आज हमने प्रयोग या रचना के आधार पर वाक्यों के दो भेद, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, वाक्य इनका विस्तार पूर्वक या विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उनका भली भांति उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।